कांग्रेस के राजा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग साढ़े नाल जुड़े ने। वड़िंग साहब, अज मीटिंग का की एजेंडा रहा तमाम कांग्रेस जी पंजाब की? सो अज मीटिंग का एजेंडा ये जी कि असी एक हल्ला बोर्ड रैली जी कि दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के 4 तरीक न कर जा रहे हैं। तमाम लीडरशिप अज इकट्ठी हुई, विचार वटांदरा होया कि उत्थे पहुँचना 11 बजे वह रैली स्टार्ट होएगी और असी 3 तरीक न रात को आपके लोगों को लैके असी रास्ते विच रुकांगे और 11 बजे उस रैली दे विच शमूलियत करांगे, क्योंकि अज जिहड़ी महंगाई है वह चरम सीमा ते है। अज देश का हर व्यक्ति महंगाई दे नाल जूझ रहा है और घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया मैं समझदा। सो अज ये समय की मंग है, लोड है। आने वाले समय च जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, सानू ये खतरा है कि यह देश की डेमोक्रेसी नू खतरा पैदा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति भुखा मरदा होएगा, जिहड़े बच्चे भुखे मरदे होणगे, उन्हां दे घरे आटा नहीं होएगा, तो फिर कुछ ना कुछ गलत काम करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिहड़ियां खाण पीन दीआं वस्तुआं महंगाई आउंदी रही जांदी रही, लेकिन खाण पीन दीआं वस्तुआं जिहड़ियां अज महंगीआं होईआं, मैं समझदा कि उन्हें आम बंदे दा लक तोड़ता है। सो असी सरकार दे कन्नां तक लोकां दे राहीं आवाज़ पहुँचाउणी चाहुंदे हां कि अज देश दे आ हालात हैं, बचाओ। किसी तो होर सलाह ले लो, किसी बुद्धिजीवों तो सलाह ले लो। 60 साल देश ते राज कीता, जो 60 साल दे विच गैस का सिलेंडर 350 तो नहीं बदन दिता, 450 तो DAP का गट्टा नहीं बदन दिता, अज 1300 का DAP का गट्टा है, 1100 का गैस का सिलेंडर है। वाधा सी साढ़े समय पेट्रोल लेकिन 1.5 रुपया, वाधा सी साढ़े रुपए सिलेंडर 3 रुपए। सो मैनू लगता कि कितने ना कितने लोगों तो सलाह मशवरे तो बिना अजकल केवल व्यक्ति विशेष ही एक दो बंदे सरकारां चला रहे, जिन्हां करके देश दे हालात आ। लगता है कि भाजपा सरकार जिम्मे इकोनॉमिस्ट रहे ने डॉक्टर मनमोहन सिंह, लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह तो सलाह ले लेनी चाहिए है। ओबामा आरा ने क्या आके कि जो देश दे अंदर इकोनॉमी दे हालात माड़े हो गए सन, अर्थव्यवस्था डिगदी जा रही सी, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्गे व्यक्ति ने देश नूं ऐ संभाल के रखिया। उन्हां हालातां जो अमरीका डिग पिया, सारी दुनिया डिग पी, सलाह लैन च की हर्ज है? लेकिन जे सलाह लैन च उन्हूं ये होमे समझा जाए कि मैं डॉक्टर साहब तो क्यों सलाह लेनी है, तो फिर तो ये हालात होणगे होणगे। मैनू लगता है ना लैन डॉक्टर साहब तो होर बथेरे होणगे इकोनॉमिस्ट, उन्हां तो लैनी चाहिए सलाह करके। सर, पंजाब सरकार जिहड़ी एक खेडां वतन पंजाब दीआं प्रोग्राम उलीक रही है, लगता इहदे विच कोई गंभीरता हैगी है या खिडारियों का कोई भविख आने वाले समय च हो सकता है जां 2 दिन का मेला? पहले इदां ही है जी, मेले पहला लगते रहे हुण लगते रहे ने, लेकिन जिहड़े स्टेडियम्स है साडियां छोटे छोटे ग्राउंड्स है उन्हां दे हालात जाके वेखो। पिंडां च लोकां कोल ग्राउंड्स नहीं है, स्टेडियम दे विच साडे कोल कोच नहीं है, टुट्टे पए आ, उन्हां नूं कोचिस चाहिए है साडे कोल, जिहड़ा बंदे नूं तैयारी कराउण, तमाम चीज़ां बारे जानकारी देण, वो वस्तुआं नहीं है। ये 2 दिन का जिहड़ा खेड मेला हुंदा एक ईवेंट बन के रह जांदा, चंगी गल है, सरकार करा रही है, मैं सरकार नूं इहदी मुबारकबाद देना चाहुंदा। पर नाल नाल एक पहला भी हुंदा हुंदा सी, पर्ल कराउंदी हुंदी सी उदों, सुखबीर कटरीना कैफ लैके आउंदा हुंदा सी, याद होणा तुहानूं, दोदे आ गए इक दिन ते वो ऐनू ही वेखी गए बंदे। सो मेरे कहण दा मतलब है, लियाओ अक्षय कुमार, लियाओ कटरीना, लियाओ कोई लियाओ, लेकिन ये मुकम्मल 12 महीने चाहिए, यह नहीं भी 2 महीने 2 दिन चलिया तो उदू बाद समाप्त। अनुशासन लैके राजा वड़िंग सख्त होंगे नज़र आ रहे हैं, कांग्रेस के हालात है? अनुशासन सब तो पहला मेरे दे लागू, सब तो जिस घर के अनुशासन नहीं, जिस परिवार के अनुशासन नहीं, वो घर चल नहीं सकता। मेरी तमाम लीडर साहबानों बेनती है कि मैं हर व्यक्ति की सलाह लैन तैयार हाँ, मैं हर जिला प्रधान की सलाह लैन तैयार हाँ, ब्लॉक प्रधान की सलाह लैन तैयार हाँ, लेकिन कृपा करके असी सारे लोग इकट्ठे होकर परिवार वाग एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म से अंदर बैठ के आप एक दूजे को सलाह दईए, अंदर बैठ के लड़िए, क्योंकि जो परिवार की गल बाहर आती है उहदे नाल परिवार का नुकसान।
ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਮਲ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ।